हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, और आपको दो दिन पहले ये सूचना दी गई थी कि जो पैट 2022 का नोटिफिकेशन है वो दो तीन दिन के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है, तो पहले आप यहाँ नोटिफिकेशन की जो खास बातें हैं उनका देख लीजिए, उनको कैसे क्या करना है, और फिर जाकर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। और लास्ट डेट का जो इंतज़ार है वो बिल्कुल भी मत करिएगा कि चार दिन बाद कर देंगे, पाँच दिन बाद कर देंगे। कल से ही, आज से ही आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आप कल से फॉर्म भर कर दें, परसों भर दें, जब भी टाइम मिले तीन चार दिन के अंदर इस फॉर्म को जो है निश्चित तौर पर भर दें। वरना यूपी की जो भी वैकेंसी आएगी आगे, आप एक भी वैकेंसी का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ये आपको अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो ध्यान दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, और इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं साफ साफ। तो देख लीजिए कि 28/6/2022 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, 27 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो मैं तो आपको लास्ट डेट जो है चार पाँच दिन के भीतर ही दे देता हूँ कि फॉर्म भरना है तो तीन चार दिन के अंदर ही फॉर्म भर दीजिएगा, इससे ज़्यादा देर मत करिएगा, वरना फिर पछताएंगे। क्योंकि पता है कि लास्ट टाइम पे यूपी ट्रिपल एससी की जो साइट है वो भी नहीं चलती है, और फिर फॉर्म भरने में देरी हो गई तो एक साल बेरोजगार और बैठे रह जाएंगे, कोई भी फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27/7/2022 यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है, 27 जुलाई है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखें। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क जमा का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। ये सारी बातें तो आपको अच्छे से पता होगा, और 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 3/8/2022 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा, मतलब 27 तक ये जो बैंक का समायोजन है ये होगा, और इसके पश्चात जो विलंबता 7 दिवस के अंदर तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको तो इतना करना ही नहीं है ना देर, आपको तो तीन चार दिन के अंदर ही फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और आगे देखिए, सारी चीज़ें इसमें बताई नोटिफिकेशन में, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बता देते हैं, उनको देख लीजिए। और नोटिफिकेशन आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो खुद से भी एक बार जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो पढ़ लें, उसके बाद ही जो फॉर्म है वो फिल करें। तो ऑनलाइन आवेदन का तो आपको बता ही दिया गया है कि नोटिफिकेशन जारी है, और इसमें अर्हता क्या है, तो द्वितीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाली विभिन्न विभागों की नियंत्रणाधीन विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बिना आप कोई भी जो परीक्षा है वो नहीं दे पाएंगे यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप निश्चित तौर पर इसमें जो आवेदन है कर दे। आगे आप कोई तैयारी है नहीं है, परीक्षा देनी है नहीं देनी है, वो बाद में सोचिएगा, लेकिन फॉर्म जरूर जो है वो भर दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आवश्यक जो सूचना है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति, मतलब कि ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं और से खुद जाके दे आए जाके, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है पूरी, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो हस्ताक्षर अपलोड होंगे आपके, फॉर्म के शेष विवरण जो भी जानकारी उसमें मांगी गई है वो सब भरना है, फिर आपका फीस पेमेंट करना है, और फॉर्म का जो प्रिंटआउट है वो ले लेना है, तो आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। और नोट करने वाली बात यह है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज रजिस्ट्रेशन कर लें, कल ये होगा, फिर परसों वो होगा, एक बार बैठिए और 10-15 मिनट के अंदर सब खत्म, ठीक है, फॉर्म भर के फुर्सत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं, 18 से 40 वर्ष के जो भी आयु के व्यक्ति हैं वो लोग इसका जो आवेदन है वो कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फ़ोटो और हस्ताक्षर कैसे होंगे, आंखें खुली हों, मुंह बंद हो, ठीक है, और दिमाग तो खुला होना ही चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इनका भी खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन अपने से खुद से अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन बता दिया गया आपको, या तो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और शेष विवरण बाकी सब कैसे करना है, फीस भुगतान क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताई हुई है। फीस कितनी लगेगी वो आपको बता देते हैं, 185 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए भी 185 रुपये ही है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओबीसी से हैं या अनारक्षित हैं। 95 रुपये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से भी 95, अगर आप विकलांग हैं तो फिर आपको निश्चित तौर पर 25 रुपये जो है वो भरने होंगे। ठीक है, तो ये चलिए अच्छी बात है विकलांग लोगों के लिए, बट बाकी लोगों की फीस भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कम है। बाकी जैसे तो नहीं है कि 800-900 ले रहा हूँ। फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, बाकी चीज़ें तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है। तो हाई स्कूल अगर आप पास हैं, हाई स्कूल या इसके समकक्ष हैं, तो आप इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपका हाई स्कूल हो गया होगा, रिजल्ट आ गया होगा, नहीं आया है तो आने वाला होगा, तो जैसे ही रिजल्ट आ जाए तो आप अपना जो फॉर्म है वो भर दीजिएगा। ठीक है, और क्या है आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक, आगे आरक्षण वगैरह जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा। परीक्षा योजना का कार्यक्रम आपको पता ही है कि सितंबर में आपकी परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा होती है 100 नंबर की। बाकी जो सिलेबस है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम पिछले बार ज़्यादातर विद्यार्थियों ने तो परीक्षा दी होगी, तो पिछले बार जैसा ही है। स्कोर की वैधता क्या है, स्कोर कैसे किया जाएगा, वो सब आप जानते ही हैं कि एक साल के लिए वैलिड रहेगा और कट ऑफ हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग निकाली जाएगी। और अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अनुदेश हैं उनको आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आरक्षण और इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐसी कोई भी जो जानकारी है वो है नहीं, बाकी सबके लिए आरक्षण और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी ये सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार खुद से अच्छे से नज़र मार लें और फिर फॉर्म भर दें। ठीक है, और गलती बिल्कुल भी ना करें। अब एक खास चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरें, आज भर रहे हैं, कल भर रहे हैं, परसों भर रहे हैं, नरसों भर रहे हैं, 4 दिन बाद भर रहे हैं, जब भी भर रहे हैं, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि फॉर्म को जो है खुले हुए लैपटॉप से तो भरना ही है, बंद लैपटॉप से तो आपका फॉर्म भरेगा नहीं, लेकिन दिमाग भी आपका साथ साथ खुला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई भी गलती कर दी तो फिर आगे जो भी UP SSC के एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, तो वहाँ पर फिर आपको करेक्शन करने के लिए शायद ही नाम और पिता का नाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन और जो चीज़ें होती हैं जैसे DOB हुआ और माता का नाम हुआ और चीज़ें हैं, तो शायद उनमें करेक्शन करने को आपको ना मिले। तो जब फॉर्म भर रहे हैं तभी इस खास चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर गलती कर दिए तो फिर आगे आपकी जो परीक्षाएं होंगी उनमें भी आपको ये भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि चलिए इसमें गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, आगे जो फॉर्म आएंगे, जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें सही से फिल कर देंगे, उसमें सारा डाटा आपका फिल ही आता है जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, तो वहाँ पर करेक्शन के लिए आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्म भरें तो यहीं पर सारी चीज़ें अच्छे से भर लें, भले ही फॉर्म भरने में 1 घंटे का समय आप लगाएं, सारी चीज़ों को 2-2 बार 3-3 बार देख लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि केवल एक गलती की वजह से आपका पूरा जो 1 साल है वो बर्बाद हो जाए। ठीक है, हो सकता है इसमें करेक्शन का आपको टाइम मिल जाए, लेकिन फिर मेंस की परीक्षा होगी जो आगे जो भी भर्ती आएंगी तो उनमें नहीं मिलता है करेक्शन का, और यहाँ आप देख नहीं पाए, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन हो चुका जारी, जाके तुरंत इसका जो फॉर्म है वो भर दीजिए, बिल्कुल भी देर मत करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।